नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेल्ट पायजामा की कटिंग। तो इस तरह ये बेल्ट पायजामा के मेजरमेंट है, ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ और ये मेजरमेंट है। तो देखिए पायजामा की लेंथ है 36.5 इंच, वेस्ट है 33 इंच, सीट है 36 इंच, थाई है लूजिंग में 28 इंच, बॉटम है 20 इंच का और इसकी इन सिम लेंथ है 26 इंच, लेकिन इसे प्लस आधा इंच सिम मार्जिन देना है, यानी कि हो जाएगा 26.5 इंच। और घुटने की हाइट है कमर से लेकर घुटने तक 18 इंच। और ये नी राउंड, तो इसको नी राउंड नहीं है, माप नहीं लिया है, क्योंकि थाई और बॉटम में जो शेप आएगा वही शेप में इसका नी राउंड बनाएंगे। और ये देखिए, ये थोड़ी सी मिलती जुलती पैंट की तरह ही है, फ्रंट में दोनों साइड में दो दो प्लेट लगेंगे पैंट की तरह। इसको भी वॉच पॉकेट बनाना है और चेन लगानी है 6.5 इंच की। तो देखिए इस तरह ये बेल्ट पायजामा है। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। ये देखिए इस तरह ये पहले कपड़ा सीधा करेंगे और यहाँ से ही सारे मेजरमेंट शुरू करेंगे। देखिए इसे यहाँ से यहाँ 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है, इसलिए आधा इंच मार्जिन में जाएगा और यहाँ से 1 इंच से मेजरमेंट चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ से आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा तो हाइट कवर हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक घुटने की लंबाई और ये 36.5 इंच पायजामे की लेंथ, और इसके आगे 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ ये जो लेंथ है, यहाँ से इनसिम लेंथ 26 इंच थी, देखिए इनसिम लेंथ 26 इंच, तो ये 26 इंच और आधा इंच मार्जिन के लिए, यानी कि टोटल 26.5 इंच, 26.5 इंच पर ये मार्क करेंगे। तो देखिए ये पहला, ये क्रॉच लाइन का यानी कि आसन का मार्क, ये घुटने का मार्क और ये लंबाई का मार्क, यही मार्क आगे करेंगे। उसके बाद अब देखिए सबसे पहले यहाँ थाई का मार्क लेंगे, तो थाई में है 28 इंच, 28 का आधा 14 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये 7 इंच उसका सेंटर, या फ्लाई के लिए 1.25 इंच पर फ्लाई का मार्क करेंगे, यही मार्क ऊपर यहाँ करेंगे 14 इंच, 1.25 इंच, ये 7 इंच पर एक मार्क। देखिए इस तरह, ये देखिए यह सामने आधा इंच डाउन करेंगे पैंट की तरह, और उसे इस तरह हल्का सा शेप देंगे। अब देखिए यहाँ इसको चेन लगानी है 6.5 इंच लंबी, तो यहाँ 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये यहाँ से हल्का सा कर देंगे। ये पायजामे की कमर है 33 इंच, तो 33 इंच में चौथा हिस्सा आएगा 1.25 इंच का फ्रंट, तो इस 1.25 इंच में दोनों तरफ
आधा आधा इंच मार्जिन मिला के 9.25 हो जाएगा। 9.25 पर एक मार्क करेंगे, ये 9.25 पर एक मार्क मार्जिन मिला के। और देखिए पहला प्लेट 1.5 इंच का, बाद में 1 इंच गैप, और ये दूसरा प्लेट 1 इंच का और 2.5 इंच। तो देखिए यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब देखिए इसे यहाँ 1.25 इंच नीचे एक मार्क करेंगे, यहाँ से साइड पॉकेट शुरू हो जाएगा। तो साइड पॉकेट की साइज़ है 6 इंच की, तो यहाँ एक मार्क करेंगे, ये साइड पॉकेट ओपनिंग का 6 इंच का मार्किंग। अब देखिए ये किनारी से लेकर यहाँ तक जो 7 इंच का मेजरमेंट है, यही यहाँ करेंगे, यानी कि ये पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट यहाँ बॉटम तक आएंगे। तो देखिए यहाँ अगर घुटने का राउंड होता तो ये मार्किंग यहाँ कर लेते, लेकिन अभी यह थाई से लेकर सीधा इस तरह सेप देना है, तो ये यहाँ मार्किंग नहीं लिया है। तो यही मार्किंग 7 इंच यहाँ पर भी सेंटर लेंगे और यहाँ बॉटम का मार्क लगाएंगे। ये देखिए 7 इंच, तो बॉटम है इसका, ये देखिए 20 इंच का, तो 20 इंच का आधा हुआ 10 इंच, ये 10 यहाँ से सेंटर से 5 इंच इधर और 5 इंच इधर, ये 10 इंच का बॉटम, ये देखिए इस तरह। दोस्तों देखिए यहाँ 1 इंच अंदर मार्क करके, ये 1 इंच अंदर मार्क करके और ये बॉटम का मार्क इसको मिला दिया, और इस तरह ये बीच में मार्किंग कर ली, ये देखिए इसे। और ये यहाँ से ये बॉटम की मार्किंग यहाँ से मिला दी, और ये इस तरह ये यहाँ एक मार्क कर दिया। अभी ये मार्क स्ट्रेट स्केल से जोड़ लेना है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक इस तरह। बाद में आगे का जो हिस्सा है वो इस तरह कर्व देना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस तरह कर्व देना है। और देखिए इसे भी यहाँ से इस तरह कर्व शेप देना है। और ये देखिए ये वेस्ट का पॉइंट है, इसे इस तरह जोड़ देना है। अब ये देखिए ये इस तरह कुछ साइड पॉकेट पैरेलल साइड पॉकेट 6 इंच का आ जाएगा। तो ये देखिए ये बहुत ही सिंपल मार्किंग है, कुछ मिलती जुलती पैंट की तरह है, लेकिन बस इसका बॉटम बहुत होने के कारण ये पैजामा में मोड़ता है, और इसकी थाई भी लूजिंग है, घुटना भी लूजिंग है और बॉटम भी बड़ा है, ये बिल्कुल लूज़ फिटिंग है। तो चलिए इसे काट लेते।
सभी प्रोसीजर पैंट कटिंग की तरह है, सिर्फ फिटिंग में थोड़ा चेंज है और एक दो मेजरमेंट कम लेने पड़ते हैं। ये देखिए इस तरह कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट बिछा लेना है, स्ट्रेट है या नहीं इसे इस तरह देख लेना है। ये देखिए इस तरह एडजस्ट करके इसे स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए ये थाई लाइन आगे बढ़ा ली पौन इंच नीचे और एक लाइन, ये घुटने की लाइन और देखिए लास्ट बॉटम की लाइन। तो इसे दो दो सूत तिरछा करना है और देखिए यहाँ कमर में सामने आधा इंच डाउन किया था तो ये ओरिजिनल मार्क जो यहाँ जो लाइन थी तो यहाँ से डाउन किया था तो ये मार्क और ये मार्क इस तरह जोड़ देने पहले। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आधा इंच सिलाई में दबेगा, 33 इंच कमर है तो 33 का चौथा हिस्सा 8 इंच, ये देखिए आधा इंच सिलाई में दबेगा, एक इंच पीछे पड़ने वाला डाट और ये 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट में रखेंगे। और ये जो लाइन है यहाँ से एक इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, ये देखिए ये मार्क इस तरह जोड़ देना है। सीट 36 इंच है तो ये 36 में एक इंच लूजिंग देंगे और आधा इंच सिलाई में दबेगा तो 9×36 प्लस एक इंच लूजिंग और ये आधा इंच सिलाई में बैक में दबेगा तो ये टोटल आ जाएगा 10.5। तो 10.5 पे एक मार्क करेंगे इधर, ये देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ से ये आधा इंच सिलाई में दबेगा और 9×36 प्लस एक इंच 10। ये देखिए यहाँ आधा इंच मार्जिन, यहाँ आधा इंच मार्जिन, ये 12.5 आ गया तो ये 12.5 या 28 को लगाकर 12.5 यहाँ आता है लेकिन ये आधा इंच सिलाई में, आधा एक इंच और बैक पार्ट में भी एक इंच, सामने वाला एक इंच और बैक पार्ट वाला एक इंच मिलाकर 2 इंच की मार्जिन। ठीक उसी तरह यहाँ आधा इंच और यहाँ आधा इंच एक इंच ये मार्जिन और पिछले वाली पार्ट की 1 इंच मार्जिन तो 2 इंच यहाँ भी। ये देखिए यहाँ इस तरफ मिला देना है और ये देखिए ये और ये सीट का मार्जिन मिला देना है इस तरह। देखिए ये मार्क और ये सीट का यहाँ जो 10 इंच पे आया था वो मार्क मिलाकर इस तरह आगे लेके जाना है। अभी ये सीट का इस तरह कर्व शेप देंगे,
ये देखिए यहाँ आधा इंच सिलाई का मार्जिन, और ये भाई इसे बैक पॉकेट नहीं है तो इसे डॉट का मार्किंग इस तरह करेंगे, 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और वही मार्क इस तरह जोड़ देंगे इस लाइन को, और 3.5 इंच डॉट का यहाँ मार्क करेंगे। और ये देखिए 1 इंच का डॉट के लिए ये इधर आधा इंच और इधर आधा इंच, यहाँ बैक पॉकेट नहीं लगेगा। तो देखिए ये रेडी कमर में पार्ट आएगा, 33 इंच कमर के लिए 1.25 इंच रेडी। तो ये हो गई बैक की पूरी मार्किंग। तो दोस्तों ये हो गई पूरी बेल्ट पायजामा की कटिंग। इस पायजामा की स्टिचिंग का वीडियो भी मैं बनाऊंगा, ये पार्ट 1 है कटिंग, तो पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग भी देखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।